ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन में कुछ चीजों को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहता है। आइए जानते हैं कि 24 मार्च को होने वाली होलिका दहन में किन चीजों को आपको अर्पित करना है ताकि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और शुभ संयोग का आगमन हो। हवन सामग्री अर्पित करें। जी हाँ, यदि विवाह योग्य वर कन्या की शादी में कोई बाधा आ रही है या विवाहित जीवन में दिक्कत आ रही है तो होलिका दहन के दौरान उसमें हवन सामग्री अर्पित करें और अग्नि पर जल अर्पित करके परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस उपाय को आप जरूर करें क्योंकि ये बेहद आसान है। दूसरा उपाय क्या है? कपूर और काली मिर्च अर्पित करें। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो रोग निवारण के लिए होलिका दहन में कपूर और कुछ दाने उस व्यक्ति के सिर पर से उतार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान को सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। गेहूं और चने की बालियां। जी हाँ, होलिका दहन में बहुत ही सरल उपाय आपको करना है कि होलिका दहन के समय नए अन्न के रूप में हरी गेहूं और चने की बालियों को सेक लें, कुछ होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। सिकी हुई बालियों को घर लेकर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। सूखा नारियल का बहुत सरल सा उपाय है। होलिका दहन के दिन आपको ये करना है, यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लें और उसमें चीनी चावल भर लें, उसको होलिका दहन के समय होलिका में अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से इंसान पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लौंग और पान के पत्ते और बताशे का बहुत सरल उपाय है जो आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए दो बताशे, दो लौंग और एक पान के पत्ते को डाल दें। इन चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। काली सरसों का बहुत ही आसान उपाय है जो आपको होलिका दहन के दिन करना है। ऐसी मान्यता है कि यदि होलिका दहन के दिन काली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर जलती हुई होलिका की आग में डाल दिया जाए तो व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त तो हो जाता है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह पूरे साल सुखी और सेहतमंद बना रहता है। ये बेहद ही सरल उपाय हैं जो आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग ऐसा उपाय कर सकें। अगर आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी पंडित या ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।